अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सबकी मुंजेंदर बार शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मेरी बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, जो मैंने बहुत पहले उसको व्लॉग में लिया था, आप लोग को शायद याद नहीं होगा, बिकॉज हम लोग इतने मतलब अच्छे दोस्त हैं बट हम लोग मिलते इतना नहीं हैं। और शादी के बाद तो ऑब्वियस रीजंस है कि हमेशा हर जगह का ये सीन है, वो हो जाता है थोड़ा, ऐसे मिलना जुलना सब कम हो जाता है, बट हम लोग के बीच में कोई भी चीज़ बदली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बहुत ही अभी भी अच्छे फ्रेंड्स हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। तो आज उनके घर है शादी, उनके मतलब भाई की शादी है, तो वहाँ पे आज जाना है, तो मैं, शहजान और मम्मी जाने वाले हैं। और मेरी मम्मी को भी इनविटेशन आया था बट मम्मी थोड़ा अभी, जैसे हमारे भी घर में शादी है तो वो बिजी है, तो हम लोग बस यहीं से जाकर फटाफट जल्दी आ जाएंगे। तो वही आज का व्लॉग है मेरा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह मुझे तो पता है शादी बहुत अच्छी होगी और अल्लाह बस दोनों के नसीब अच्छे करे, यही एक दुआ रहती है जो भी न्यू कपल रहता है, और बस अल्लाह उनको हमेशा ज़िंदगी भर उनको साथ रखे और खुश रखे। तो अब हम चलते हैं, अभी मुझे चूज़ करना है कपड़े, मुझे पता नहीं मुझे पहनना क्या है, तो वो भी चूज़ करते हैं एंड आपको दिखाते हैं। चलिए, मैं पहन रही हूँ ये ड्रेस जो कि मेरी मम्मी ने डिज़ाइन किया था। ये मैं पहले भी एक बार पहन चुकी हूँ बहरीन की शादी में, तो अभी शहजान से बोला था कि इसको इस्त्री वाले के पास देकर लेकर आओ, तो ये इस्त्री हो चुका है। ये देखो, मेकअप का अभी तक दाग इससे निकला ही नहीं है, लॉन्ड्री में दिया था जबकि, बट ठीक है चलो अभी ये पहन लेती हूँ। और उसके कॉन्ट्रास्ट में ये हिजाब है, बस अभी चलो रेडी हो जाते हैं। अभी ड्रेस पर मैं सोच रही हूँ कौन से बैंगल्स पहनूँ, सब मेरी शादी की बैंगल्स पड़ी, अब तक मैंने पहने, मतलब मैं ज़्यादा पहनती ही नहीं हूँ बैंगल्स, आज सोचा थोड़ा पहन लेती हूँ। ओके गाइस, सो मैं हो गई हूँ रेडी और शहजान भी आ चुके हैं, इधर आओ थोड़ा। हाँ, अरे बापरे, मैं भी हो गया हूँ रेडी। अभी दोनों हम लोग अपना आउटफिट नीचे उतर के दिखाएंगे। शहजान तुम कट रहे हो मेरा हाथ और ऊपर नहीं हो रहा है। आया बराबर, तो अभी हम नीचे उतर के आप लोगों को पूरा आउटफिट दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, done. तुम रेडी हो गए? Yes. चलो मैं भी रेडी हूँ, आज मैं पहले रेडी हूँ। मैं कुछ भी, मैं बोला इसको 10 मिनट पहले मेरे को बोल देना तुम्हारे रेडी होने से, तो मैं बैठा था, इसने बोलिया हो जाओ तो मैं हो गया। ठीक है चलो अभी उतर रहे हम लोग, चलो लेट्स गो। अभी हम लोग बुके लेने उतरे, दे दीजिए ये लो शहजान तुम्हारे लिए। थैंक यू, बड़ा ही खूबसूरत सब प्यारा सा है। हाँ ना, लो भाई स्कैनर दे दो। मजाक कर रही हूँ, फूल पीछे मम्मी के साथ बैठा है और एक कांटा गाड़ी चला रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, और मैं क्या, तुम अंदर के जो झाड़ होते हैं वो गुलाब, अरे गुलाब जी शहजान, दिल की बात बोल दिया तुमने। गुलाब, हाँ तो वो गुलाब जो बोले तुमने, दिल की बात बोल दी अपनी। गुलाब है गुलाब, वो भी शादी में तुम्हारी भी कहीं बैठा के करा देती हूँ किसी और से, दिल भर गया लगता तुम्हारा। बस एक ही बस है, एक ही बस है, तो मैं तो रहूंगी नहीं ना, वो दूसरी एक को ही रखना। नहीं नहीं, तुम ही एक बस है, तुम भी दिल की बात जान ली है मेरी। हाँ ठीक है, बड़े आए करके देखो तो सही मालूम पड़ेगा जरा। या अल्लाह, उसको समझे तुमको नहीं उसको। अभी जाना ये साइड है और सामने के रोड पे पूरा जैम है क्योंकि संडे है, जो बीच है, तो लोग अभी जा रहे रहेंगे अपने अपने घर। अभी यहाँ से हम लेंगे यू टर्न। अभी यहाँ एक्चुअली है तीन शादी, दो इधर है इस तरफ और एक ऊपर है, तो हमें जाना है इस तरफ जो कि पूरा यहाँ भी जैम लगा हुआ है, अब कब खुलता देखते हैं।
माशाल्लाह इधर खजूर भी है। ये देखो मैंने स्क्रीन पे से इसको रिकॉर्ड किया, ये हमेशा इतनी बातें करती है, इसको मैंने आज पकड़ लिया। अब ये मेरा व्लॉग देखेगी और मुझे खूब पीटेगी। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, वहाँ पानीपुरी स्टॉल इधर भी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेट्स सी मेन्यू में क्या है। भूख लगी है और आ जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो दे दो। हाँ हाँ लाइव काउंटर।
और यहाँ पे हमें बैठने की जगह बिल्कुल नहीं मिली, तो हम खड़े खड़े ही शुरू हो गए बिकॉज बहुत भूख लगी थी और खाना इतना लजीज था माशाल्लाह कि मैं क्या बताऊँ। छोटी बहन और यश का छोटू शामूसा। अभी चलो शहजान से मिलाते, जल्दी जल्दी गाना भी बंद हो गया। जाओ शहजान इधर आ। मूसा, अरे माशाल्लाह क्या नाम है, मूसा। आ जाओ चलो टाटा जाए, आ जाओ मूसा। मूसा इधर देखो, से हाय मूसा। हाय, बाय बाय बोलता है। अरे क्या है, तू वीडियो वीडियो बोले ना, वीडियो अच्छी। सो गाइस बहुत मजा आया माशाल्लाह, बहुत इज्जत दी हमें हमारी सफिया ने, सफिया ने, सब लोग ने, मम्मी डैडी सब लोग। डैडी तो पहचाने ही नहीं, छोड़ दो तू सालों बाद मिली है, कैसे पहचानेंगे। मैं तभी बहुत पतली थी, अभी मैं थोड़ी, ये इतनी पतली थी ना, मतलब इसकी ये ड्रेस में ऐसी 3 फिट हो जाती, मतलब मैं पतली थी, मैं अच्छी खासी थी। हाँ। लेकिन अंकल मुझे पहचाने नहीं, बस यही दुख की बात है, कोई बात नहीं। तो अगर पहचान लिए, डांट लिए, हाँ पहचान लिए, पहचान पहचान लगाया, पहचान लगाया। और मैं क्या बोल रही, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। सबसे पहले तो तेरी भाभी आ गई, पहली भाभी है इसकी घर की, है ना, बता। अच्छी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह बस जोड़ी सलामत रखे, थैंक यू सो मच। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, जो भी बोलो। हाँ बट आपको सारे आइटम्स चखने मिले? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नहीं पॉसिबल है। कोई लाके दे तो समझो खुद जाके ले नहीं सकते यार, इतना माशाल्लाह खाने का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया। बस ये शिकायत है कि बहुत ज़्यादा ही रख लिया कि हम लोग सब नहीं चख पाए। नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी है। मैंने तो स्टार्टिंग में अपने ब्लॉग के बोला शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी। प्लीज़ इसको एनकरेज करो कि दोबारा बिना दावत के मेरे घर पे आ जाए, ये लड़की आने तैयार नहीं है। ये भी नहीं आती है, ऐसी मेरे साथ टकराती होती है तो रहने दे। एग्जीबिशन में भी ऐसे ही टकराई थी, जो थोड़ा सा क्लिप लिया था मैंने इसका। लेकिन आगे चल के मिलेगा, मैंने इसको बोला था कि हम लोग मिलेंगे, हमारे पुराने किस्से बताएंगे, बट इनके पास टाइम नहीं है। हमारे ये बच्चे वाली हो गई, अभी अब टाइम निकालूंगी, बच्चा स्कूल जाने लगा है मेरा। ओ वाओ, तो वो स्कूल टाइम पे ही आएगी हमारे साथ बात जरूर। हम लोग एकदम ऐड जैसी बात क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। सर कोई ऐड में, पहले मैं बहुत बिजी थी, अब मैं बहुत फ्री हूँ। चल ठीक है, अभी मेरे बेचारे शोहर और मेरी सास भाई और आंटी के लिए निकल रहे हैं। घर जा रहे थे तो मैंने एग्जिट पे देखा, आफ्टर मिंट का काउंटर था और मैंने देखा कि सब लोग फायर पान ट्राई कर रहे थे। मैं पहले कर चुकी हूँ बट मेरा फेल हुआ था, मतलब मैंने उसे ऐसे बाहर फेंक दिया था। इस टाइम देखते हैं मेरा सेकंड ट्राई है कि ये मेरे से होता है इस टाइम पॉसिबल के नहीं। तो चलो अभी इसे ट्राई करते हैं। पक्का हुआ फिर जला हुआ पाने, चलो अब चले घर।
12 बज चुके हैं और बहुत लेट हो गया, लाइट्स भी ऑफ हो गई है उधर पे। अब बस दूल्हा दुल्हन खाना खाएंगे एंड घर। लेकिन माशाल्लाह बहुत मज़ा आई। अगर सुबैया सफिया आंटी अंकल सब देख रहे वीडियो तो सबको तहे दिल से शुक्रिया मेरा। हमारे गाड़ी का हैंड ब्रेक अटक चुका है और सब लाइन से पीछे खड़े। अरे चालू हो गया, चलो फाइनली अब तो घर के लिए निकल गए हैं। लेकिन माशाल्लाह से शादी बहुत ग्रैंड थी, बहुत ही अच्छी थी और बहुत सब लोग ने इज्जत दिया, प्यार दिया। खास करके सुमैया, इतने बिजी स्केड्यूल में भी सुमैया सफिया उनके मम्मी डैडी सब लोग ने इतनी इज्जत दी, इतना ख्याल रखा। अगर वो नहीं रख पाए तो किसी और को भेज दिया। तो बहुत मज़ा आई माशाल्लाह से, सच्चे दिल से शुक्रिया इन सबका। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और हम सबको दुआ में याद रखिए, खास करके मेरे ससुर को। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।